बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द M2 इन्फेक्शियस डिजीज़। इसमें हम मोस्ट कॉमन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है लेप्टोस्पायरोसिस, वो डिस्कस करेंगे। प्रोब से पहले हम ये इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। लेप्टोस्पायरोसिस जो है ये एक मोस्ट कॉमन जोनोटिक लेप्टोस्पायर इंटेरोगेंस की डिजीज़ होती है, ठीक है, जो बैक्टीरिया कॉज करता है ये पैरासाइट्स। अब ये देखते हैं हम, ये लेप्टोस्पायरा इंटेरोगेंस जो होता है ज़्यादातर रोडेंट्स में होता है। ये काउंटर ट्यूब्यूल्स के अंदर किडनी के ग्रो करते हैं, जो लेप्टोस्पायरा होते हैं उनके अंदर, ठीक है, वहाँ से उनकी किडनी में ग्रो करता है और वाटर में सेक्रेट हो जाता है। और ये स्प्रेड कैसे करता है, जब भी स्किन पे स्किन कॉन्टैक्ट होगा या म्यूकस मेम्ब्रेन या फिर कोई स्किन रप्चर होगी तो वहाँ से ये कट और एब्रेजन के जरिए एंटर हो जाएगा। अगर तो कोई भी कंटेमिनेटेड वाटर के अंदर प्रोलॉन्ग इमर्जन, मतलब हाथ डाल के रखता है ज़्यादा देर तक, तो उसको भी इफेक्ट कर सकता है। अब इसके क्लिनिकल फीचर जो है, बैक्टीरियल लेप्टोस्पायरोसिस है, एसेप्टिक मेनिनजाइटिस है, पल्मोनरी सिंड्रोम है और वेल डिजीज़ है। पहले हम देखते हैं बैक्टीरियल लेप्टोस्पायरोसिस में क्या होता है कि हाई ग्रेड फीवर होता है, मसल पेन होती है, टेंडरनेस होती है, इंटेंस हेडेक होता है और फोटोफोबिया, ठीक है। आलमोस्ट इसमें मेनिनजाइटिस वाले हैं सिम्टम्स, लेकिन इसमें मसल पेन और टेंडरनेस भी होती है। कंजक्टिवा के अंदर कंजेशन होती है। एसेप्टिक मेनिनजाइटिस के अंदर इलनेस वेरी डिफ्यूज टू द वायरल मेनिनजाइटिस, न्यूरोट्रॉफिक ल्यूकोसाइटोसिस होता है, अबनॉर्मल LFTs होते हैं, LFTs यहाँ पे अबनॉर्मल होंगे और एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होगा यूरिन के अंदर, ठीक है। पल्मोनरी सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, हेमोपेटिसिस होगी, ARDS होगा और पल्मोनरी हेमरेज होगा। वेल डिजीज़ के अंदर क्या होता है कि कंजक्टिवल हेमरेज हो जाते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है, मेलेना होता है, पेटोमेगैली होती है, रीनल फेलियर और पेरिकार्डाइटिस, ठीक है। ट्रांजिएंट मैकुलर पेपुलर रैश होती है, कंजक्टिवा के अंदर हाइपरीमिया होता है, ब्लीडिंग विद प्लूरल पेरिकार्डियल सबरोक्यूलेट स्पेस में, जॉन्डिस डीप होता है। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन हम क्या करवा लेंगे, ब्लड कल्चर करवा लेंगे, ठीक है, यूरिन एग्जामिनेशन देखेंगे, प्रोटीन ट्रेस होगी, इसके अलावा माइक्रोस्कोपी एग्लूटिनेशन टेस्ट करवा लेते हैं। ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है लेप्टोस्पायरोसिस के लिए। इसके अलावा डिटेक्शन करते हैं DNA की बाय दी PCR। मैनेजमेंट के लिए इसको या तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया या तो ब्लड लगाएंगे, सेफ्ट्रायोक्सोन देंगे इसके अंदर, ठीक है, पेंसिलिन देंगे और यूवेटिस के अंदर टॉपिकल स्टीरॉइड प्लस सिस्टेमिक देते हैं। अब हम इसको डेविडसन से देखते हैं एक बार, अगर आप ये भी कर लेंगे तो इनफ है, लेकिन एक बार यहाँ से देख लेते हैं कोई पॉइंट मिस ना हो गया। ये ज़्यादातर सेवेज वर्कर्स में होता है, ठीक है। लेप्टोस्पायरोसिस मोस्ट कॉमन जोनोटिक डिजीज़ है, किससे कॉज होती है, इंटेरोगेंस से। ये पैथोजेनिक है फॉर द ह्यूमंस के ऑर्गेनिज्म के अंदर, ये ट्यूब्यूल्स में ग्रो करता है, फिर वहाँ से स्क्रीट हो जाता है वाटर के अंदर। कैसे कॉन्टैक्ट करता है, थ्रू द इंटेक्ट स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन और एंट्री फैसिलिटेड बाय द कॉर्ड्स और द एब्रेजन। क्लिनिकल फीचर के अंदर क्या आते हैं, किडनी इन्वॉल्व हो जाती है, लीवर, मेनिंजेस और ब्रेन, ठीक है। बैक्टीरिया के अंदर मैंने आपको बताया था कंजक्टिवल कंजेशन हो जाती है, यही एक फिजिकल साइन होता है इसके अंदर। इसके अलावा इंटेंस हेडेक, फोटोफोबिया, डायरिया, वॉमिटिंग भी हो सकती है। एसेप्टिक मेनिनजाइटिस के अंदर मेनिनजाइटिस वाले आएंगे सारे सिम्टम्स। इसमें ल्यूकोसाइटोसिस होगी, LFTs सब नॉर्मल होंगे और कॉस्ट मिलेंगी यूरिन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जो इक्टेरिक लेप्टोस्पायरोसिस वेल्स डिजीज भी कहते हैं, इसमें हेमरेज, जॉन्डिस, एक्यूट किडनी इंजरी, हाइपरीमिया, एथमेटिस रैश, एपिस्टेक्सिस, हेमाटोमेसिस, मेलेना, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होगा, ठीक है। एक्यूट किडनी इंजरी होगी, रीनल परफ्यूजन इंपेयर हो जाएगी, ट्यूबलर नेक्रोसिस होगी, एन्यूरिया होगा, अगर प्रेजेंस ऑफ द एल्ब्यूमिन ब्लड एंड द कॉस्ट मिल सकती है यूरिन के अंदर। पल्मोनरी सिंड्रोम के अंदर क्या होगा, हेमोपेटिसिस होगी, पैची लंग इन्फिल्ट्रेट्स मिलेंगे। डायग्नोसिस कैसे करते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस होगी, ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होगा, जो क्रिएटिनिन काइनेज होता है ना वो इसके अंदर एलिवेटेड होता है, ठीक है। CSF इन द लेप्टोस्पायरल मेनिनजाइटिस शो अ वेरिएबल सेलुलर रिस्पॉन्स। अब इसके अंदर हमने इन्वेस्टिगेशन क्या करवानी होती है, एक तो हमने बता दिया कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होगा, ठीक है। इसके अलावा CSF कल्चर भी करवा सकते हैं, ब्लड कल्चर करवाएंगे, लेप्टोस्पायरा यूरिन में भी अपेयर हो सकता है सेकंड वीक में। सरोलॉजिकल यही एक डायग्नोस्टिक टेस्ट, माइक्रोस्कोपिक एग्लूटिनेशन टेस्ट, डिटेक्शन कर लेंगे DNA की बाय द PCR। मैनेजमेंट इसकी क्या है, वही ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर देंगे। इसके अलावा डॉक्सीसाइक्लिन दे सकते हैं, इसमें 100 mg ट्वाइस डेली फॉर 1 वीक। IV पेंसिलिन दे सकते हैं और पावर एंट्रल सेफ्ट्रायोक्सोन दे सकते हैं, इज एज इफेक्टिव एज अ पेंसिलिन। अब इसके UQs देख लेते हैं। अब उन्होंने पूछा हुआ है कि विच जोनोटिक डिजीज इज मोस्ट लाइकली इन अ सेवेज वर्कर। सेवेज वर्कर में मैं आपको ऑलरेडी बताया कि इसमें लेप्टोस्पायरोसिस होती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका, कि म्यूकस मेम्ब्रेन स्किन इंटेक्ट तो भी ट्रांसमिट हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो है वो मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियोसाइट माइक्रोस्कोपिक एग्लूटिनेशन टेस्ट होता है, ठीक है। इसके अंदर इसके अलावा PCR भी करवाते हैं। उन्होंने 3 इन्वेस्टिगेशन पूछी है, कल्चर करवा लेंगे, यूरिन एग्जामिनेशन में भी मिल सकता है ये, ठीक है, और प्रोटीन यूरिया हुआ होगा। नेक्स्ट देखिए, 50 ईयर ओल्ड वेटरनरी डॉक्टर है, एडमिट विद अ हाई फीवर, एनोरेक्सिया एंड सीवियर माइल्जिया, ठीक है। एग्जामिनेशन पे कंजक्टिवल हेमरेज मिले, इफियन मिली, हेपेटोमेगैली हुई, ठीक है, माइल्ड जॉन्डिस है, यूरिन आउटपुट एंड यूरिया हो सकता है इसके अंदर। नो हिस्ट्री ऑफ द अल्कोहल ड्रग इनटेक, HB देखा और TLC में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हुआ है, बिलिरुबिन हाई है, ALT भी ज़्यादा ही हुआ है इसके अंदर, एबनॉर्मल LFTs मिलती हैं हमें उसके अंदर, ठीक है, एल्कलाइन फॉस्फेटेज भी ज़्यादा है। इसके अलावा सीरम क्रिएटिनिन 6.9 है, हेपेटिक सीरोलॉजी के अंदर ABCR नेगेटिव है, ये नहीं है, फिर भी उसके लिए फंक्शन खराब है। MPTEX जो उसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन थी वो भी नेगेटिव आया, कोई भी बैक्टीरिया नहीं दिखा गया उसके अंदर, ठीक है, जैसे कि टाइफॉइड वाला। अब इसके अंदर ब्लड कल्चर के अंदर तो ये पॉजिटिव मिलेगा ना। अब मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या है, LFTs अब नॉर्मल है, क्रिएटिनिन भी इसमें हाई है और लीवर नॉर्मल है, तो इसमें क्या होगा, लेप्टोस्पायरोसिस। टू लेबोरेटरी टेस्ट में ब्लड कल्चर करवा लेंगे, यूरिन एग्जामिनेशन PCR करवा सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेटिव टेस्ट होता है वो कौन सा है, माइक्रोस्कोपिक एग्लूटिनेशन टेस्ट है, ठीक है। टू इन मेडिसिन, अब इसके अंदर हमने डॉक्सीसाइक्लिन और पेंसिलिन दी थी। 24 ईयर ओल्ड मेल सेवेज वर्कर है, कफ है, फीवर, नो एपिसोड ऑफ हेमोपेटिसिस, हाई कलर्ड यूरिन है, जॉन्डिस है, पेल है, BP उसका हाई है, साइंस ऑफ कंसोलिडेशन है, WBC देखे 11,500 है, सीरम क्रिएटिनिन एलिवेट हुआ है, अमाइनो ट्रांसफरेज भी एलिवेटेड है, पैच ऑफ कंसोलिडेशन इन द राइट लंग, तो उसने लंग को इन्वॉल्व किया हुआ। इसके अलावा प्रोटीन यूरिया, इसका मोस्ट लाइकली डायग्नोस किया लेप्टोस्पायरोसिस। अब इसकी कॉम्प्लिकेशन पूछी है, इसके अलावा उन्होंने पूछा ड्रग के अंदर, तो कॉम्प्लिकेशन के अंदर यही आ सकता है, सेप्टिक मेनिनजाइटिस हो सकता है, पेटोपल्मोनरी सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने पूछा कि ड्रग कौन सी ड्रग, इसमें वही डॉक्सीसाइक्लिन और पेंसिलिन आएगी।
कॉम्प्लिकेशन के अंदर इसके हम वेल डिजीज़ भी लिख सकते हैं। जो हमने इसकी सारी फीचर्स पढ़े ना, ऑलमोस्ट वही इसके अंदर आएंगे।